ऐसी कई एक्ट्रेसेस हैं जो अपनी बॉडी पर काफी मेहनत करती हैं और जीरो फिगर बनाना चाहती हैं। कभी जिम के चक्कर लगाती हैं तो कभी योगा का सहारा लेती हैं। फिल्में पाने के लिए एकदम स्लिम रहना पसंद करती हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे एक्ट्रेसेस भी हैं जिन्हें फिल्में पाने के लिए और हिट होने के लिए स्लिम होने की जरूरत नहीं पड़ी। जी हाँ, तो चलिए देर किस बात की, दिखाते हैं आपको ऐसी ही कई एक्ट्रेसेस जिन्होंने ये साफ कर दिया कि वेट इज नॉट द की टू सक्सेस। नंबर वन, विद्या बालन। अपनी एक्टिंग से सभी को दीवाना बनाने वाली विद्या एक ऐसी एक्ट्रेस है जो लाखों करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करती हैं। विद्या कोई स्लिम ट्रिम एक्ट्रेस नहीं है। विद्या को कई बार लोगों ने उनके वेट को लेकर खरी खोटी भी सुनाई, लेकिन विद्या ने सभी का मुंह अपनी हिट फिल्मों पा, डर्टी पिक्चर, कहानी, इश्किया, हमारी अधूरी कहानी के द्वारा दिया। नंबर टू, सोनाक्षी सिन्हा। 2010 में सलमान के ऑपोजिट काम करने का मौका मिला था शत्रुघ्न सिन्हा की लाडली बेटी सोनाक्षी को। सोनाक्षी का वेट भी काफी था जिसके चलते उन्हें फिल्म आर राजकुमार के दौरान ट्रॉल भी किया गया था, लेकिन सोनाक्षी को फर्क नहीं पड़ा। वो सिर्फ अपनी एक्टिंग के जरिए लोगों को अपना फैन बनाती रही। उन्होंने सन ऑफ सरदार, राउडी राठौर, हॉलीडे लुटेरा जैसी फिल्मों में काम किया है। नंबर थ्री, हुमा कुरैशी। हुमा कुरैशी ने अपनी बेहतरीन एक्टिंग से लोगों को इम्प्रेस तो किया ही, बल्कि ये वो एक्ट्रेस है जिनकी खूबसूरती के भी कई दीवाने हैं। उन्होंने फिल्म गैंग्स ऑफ वासीपुर के दोनों पार्ट्स में काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। नंबर फोर, भूमि पडनेकर। फिल्म दम लगा के हईशा से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली भूमि अपनी एक्टिंग से लोगों को आए दिन इम्प्रेस करती जा रही है। भूमि का वेट इस फिल्म के दौरान काफी था, लेकिन फिर भी उन्हें बॉलीवुड में सबका प्यार मिला। नंबर फाइव, परिणीति चोपड़ा। 2011 में अपनी एक्टिंग की शुरुआत की थी परिणीति चोपड़ा ने। लेडीज वर्सेस रिकी बहल, हसी तो फसी, किल दिल, मेरी प्यारी बिंदु, इशक जादे जैसे फिल्मों में काम करने वाली परिणीति का हमेशा से ही प्लस साइज फिगर था, लेकिन उनके टैलेंट के आगे किसी को कुछ नहीं दिखा। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए मिर्ची बॉलीवुड।